जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है कजाकिस्तान बैन हिजाब एंड बुरखा, इवन दे हैव 97% मुस्लिम, पाकिस्तान क्राइम। अच्छी बात है, एक मुस्लिम कंट्री ने स्टार्ट किया है तो ये अच्छी बात है। और देखो, उसके लिए मैं राष्ट्र में जरूर बात करूंगा, इसको आप गलत वे में मत लेना। पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाप को ईरान से कुछ ही दूर स्थित ताजिकिस्तान बैन कर चुका है। ताजिकिस्तान में दाढ़ी रखने और हिजाब पहनने पर बैन है। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, मुस्लिम आबादी है, 96 से 98% वहाँ की आबादी मुसलमानों की है, रिलीजन इस्लाम है, वहाँ की गवर्नमेंट का रिलीजन इस्लाम है। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी और जो अभी प्रेजेंट न्यूज आ रही है उसको सुन के आप बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाएंगे कि उन्होंने ऑफिशियली एक लॉ बना रहे हैं वो, जिसके जरिए वहाँ पर प्रॉपरली हिजाब को बैन किया जा रहा है। एक कानून पास हुआ है बुरका बैन के हवाले से कि जो खवातीन है वो अपना जो फेस है वो कवर नहीं कर सकते। जो एक इस्लामिक सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड है उसने कहा कि ये इस्लामोफोबिकली मोटिवेटेड है, ये मुसलमानों की टारगेटिंग हो रही है। हालांकि इसमें मुसलमानों की क्या टारगेटिंग है, क्या इस्लाम के अंदर, क्या हमारे इस्लाम के अंदर क्या कहीं लिखा हुआ है, क्या ये कुरान में लिखा हुआ है कि खातून को अपना चेहरा ढांपना चाहिए? नहीं लिखा हुआ। ने बुरके को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने और 1000 से जायद मदरसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। 2007 में ही वैसे इन सब चीज़ों पर अनऑफिशियली काम करना स्टार्ट कर दिया गया था कि वहाँ पर कोई औरत हिजाब नहीं पहनेगी, मुस्लिम मर्द वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखेंगे, और मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स को भी वहाँ पर तनबीह की गई थी। वहाँ उनको बताया गया था कि कोई औरत अगर आपको हिजाब में नजर आए तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। ये जनाब बड़ी गलत बात है, और ये मुस्लिम कंट्री है, हम खुद मुस्लिम हैं, पर लिहाजा हमारा जो मुस्लिम ममालिक है पाकिस्तान और इसका मीडिया बिल्कुल खामोश है। ये है कि हमारे में इत्तेहाद नहीं, हमारे में यूनिटी नहीं है, बस इस हवाले से जो है ना सारा मामला हम पीछे हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, बुल्गेरिया, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं जहां हिजाब या फिर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। अगर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो सीरिया और इजिप्ट ऐसे देशों के विश्वविद्यालयों में पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ताजिकिस्तान को जानते ही होंगे। एक समय में ये यूएसएसआर यानी एक यूनाइटेड रसिया का पार्ट हुआ करता था। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया का देश है इस समय, और बताया जाता है कि यहाँ की मोर देन 97% आबादी इस्लामिक है। लेकिन ताजिकिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला रखा है कि कोई भी मुस्लिम महिला ना बुरका पहनेगी ना अबाया पहनेगी, ठीक है, क्योंकि चोरी की वारदात होती है और भी तमाम वारदातें होती है, पता ही नहीं चलता बुरका पहन के किसने क्या कर दिया। और इसी के साथ साथ कोई भी जो मैन है, जो पुरुष है, वो दाढ़ी नहीं रखेगा। अगर दाढ़ी रखता है तो ऐसे सूरत हाल में उसको 12 साल की कड़ी जेल मिलेगी। इमेजिन कीजिए, एक मुस्लिम स्टेट में, एक मुस्लिम देश में, ताजिकिस्तान में ग्राउंड लेवल पे अबाया बुरका को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया, बैन, और दाढ़ी टोपी ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। और इनके में एक खतना होता है, खतना भी नहीं चलेगा, ठीक है। सबका सब एकदम डिनाई कर दिया गया ताजिकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। और मजाल है कि कोई एक इस्लामिक देश बोल दे भारत में थोड़ा सा भी हिजाब या कोई भी मदरसा, अच्छा 1100 मदरसे भी हमेशा के लिए शट डाउन कर दिए ताजिकिस्तान गवर्नमेंट ने। भारत में कुछ ऐसा हो जाए देखो, फिर पूरी दुनिया की आंखें निकल आती है। क्यों? क्योंकि भारत के नेता ही ऐसी मामलों को हवा देते हैं, इसमें दुनिया की गलती नहीं है। भारत के नेता खुद भारत को डिफेम करना चाहते हैं, और दूसरे देश में बैन हो जाता है, बोलो औकात है तुम्हारी बोलने की? नहीं बोलेंगे। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, मुस्लिम आबादी है, 96 से 98% वहाँ की आबादी मुसलमानों की है, रिलीजन इस्लाम है, वहाँ की गवर्नमेंट का रिलीजन इस्लाम है। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी और जो अभी प्रेजेंट न्यूज़ आ रही है उसको सुन के आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाएंगे कि उन्होंने ऑफिशियली एक लॉ बना रहे हैं वो, जिसके ज़रिए वहाँ पर प्रॉपरली हिजाब को बैन किया जा रहा है। 2007 में ही वैसे इन सब चीज़ों पर अनऑफिशियली काम करना स्टार्ट कर दिया गया था कि वहाँ पर कोई औरत हिजाब नहीं पहनेगी, मुस्लिम मर्द वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखेंगे, और मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स को भी वहाँ पर तनबीह की गई थी। वहाँ उनको बताया गया था कि कोई औरत अगर आपको हिजाब में नजर आए तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। वहाँ की पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा नजर रख रही थी कि किसी औरत ने हिजाब तो नहीं पहना हुआ, अबाया तो नहीं ओढ़ा हुआ। लेकिन अब इस चीज़ को ऑफिशियल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इसकी वॉयलेशन करना चाहेगा, कोई औरत हिजाब पहनेगी, कोई औरत अबाया पहनेगी, तो उसको फाइन किया जाएगा। एक आम इंसान को
$740 तक का फाइन देना पड़ेगा, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस चीज़ की वायलेशन करता है तो $3,700 से लेकर $5,000 तक उसको फाइन हो सकता है। इसी के साथ साथ जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ताजिकिस्तान के, उनका कहना ये था कि हम लोग कभी भी अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज के कल्चर्स को प्रमोट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर औरतें यहाँ पर अबाया पहनती है, ब्लैक कलर का शॉल लेती है, पूरा अबाया ओढ़ती हैं, तो वो अरब के कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सऊदी अरब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ ही अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग करता है तो वो वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का मकसद यह है कि ताजिकिस्तान की ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाए, एक सकाफत को बरकरार रखा जाए, और एक नेशनल ड्रेसिंग भी उन्होंने बनाई थी जिसका मैसेज हर ताजिकिस्तानी के मोबाइल फोन्स पर गया था कि आपको नेशनल ड्रेसिंग ऑफ ताजिकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए और हर कोई उसी में ही हमें नजर आए। और ये किताबें लिख डाली और ये लोगों को कहा जी कि औरत को अपनी वो प्रॉपर्टी समझते हैं, वो समझते हैं कि जो खातून है वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो जो मर्जी करें जैसे मर्जी करें, और हमारी खातून को कोई देखे ना और हम दूसरों की खवातीन को देखें। सो ये जो बिहेवियर है, ये जो फैसला है, ये जो अंदाज है मुसलमानों का दूसरे ममालिक में जाके वो वाले हकूक मांगना जिससे उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज, उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी ऑफेंसिव। ये उनका हक नहीं है। देखें, अगर आप एक इस्लामिक रियासत में रह रहे हैं तो आप जो मर्जी करें, आपको हक है, हम क्यों उनके कवानीन को नहीं मानेंगे। तो ये जो मुसलमानों का एक बिहेवियर है, और हम ये समझते हैं कि जी नहीं, ये मुसलमानों को हक है कि वो दुनिया में जहां जाके जो मर्जी करें, उनको कोई ना पूछे। अब ये जो बिहेवियर्स हैं, अभी देखें ये पिछले 20 साल में जो कुछ हुआ है दुनिया में, पहले पिछली 20वीं सदी में अफगानिस्तान में जहाद हुआ, पूरी दुनिया में जहादी तैयार हुए, हमने भी अपना किरदार अदा किया, और उसका फिर सोसाइटी सारी इस्लामाइज हो गई, और फिर वही जहादी जो थे वो पूरी दुनिया में फैले। फिर ये जो 9/11 के बाद फिर ऑनलाइन, फिर ये लोग अट्रैक्ट हुए इस आइडिया से जी कि कभी तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट खड़ी हो जाती है। तो आप इमेजिन करें कि मुसलमानों को या इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा है इस तरह के एक्सट्रीम बिहेवियर से। इस्लाम कब कहता है कि आप जो है वो इस तरह का बिहेवियर करें? इस्लाम बड़ा मॉडरेट रिलीजन है, बड़ा को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, प्लूरलिटी में बिलीव करता है, इंक्लूसिवनेस में बिलीव करता है। इस्लाम ये कहता है कि सारे मजहब जो है वो मिलकर चले। अब जो खातून है वो अगर ये कहे, मर्द ये कहे कि जी नहीं, खातून को ये कवर करना है, उसका जिस्म कवर होना चाहिए। अगर मिसाल कहीं एक मैं जगह पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी अगर एक बिल्ली है तो वो कहीं से गोश्त ले जाएगी, ये इस्लामी हमारे जो क्लैरिक हैं उनकी मिसाल दे रहे हैं। मैं ये तारिक फतेह साहब का भी एक आर्टिकल देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने एक शेख हिलाली है उनको कोट किया हुआ है, और वो कह रहे हैं जनाब के अगर बिल्ली कहीं से जो है वो किसी गोश्त ले जाती है तो ये उसको कवर करना चाहिए। तो मतलब ये है कि ये सोसाइटी इस हद तक नीचे गिर चुके हैं हम लोग, या ये मुआशरा या जो कम्युनिटी है इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि हम अगर ये खातून अगर वो आपके बकौल उस अपने हिसाब से वो प्रॉपरली ड्रेस है जिस तरह के भी उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, तो ये उनका कसूर है। जो बंदा दिखेगा उसका हक है कि उनको ऊपर हमला करे। मतलब ये कोई इंसानियत है क्या? आपको अल्लाह ताला ने, या कोई भी आपका खुदा हो, आप ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्या आपको अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर कहीं पे जो है इस तरह का अगर किसी ने कपड़े पहने तो आप उन पर हमला कर दे, या कि अगर किसी ने पहना तो उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट की जाए, उनको ऑनर करें उनकी चॉइस को? सो हमें ये जो बुरका बैन है ये हमारे अपने करतूतों की वजह से हुआ है। ये जो हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने जो दूसरे मुल्कों में जाके अपने जो है फतह करने की कोशिश की, हमने बेसिकली फतह करने की कोशिश की कि अब नहीं, इस्लाम यहाँ भी फैल जाएगा, इस्लाम वहां भी फैल जाएगा। लोग आपके साथ कन्वर्ट तब होंगे अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बींग होंगे। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान है, फर्स्ट यू आर ए गुड ह्यूमन बींग, देन आपका आता है कि आपका मजहब क्या है और आप क्या चीज है। दुनिया को आपके मजहब से कोई लेन देन नहीं है। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं, बट पहले सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बन के दिखाना पड़ेगा ना, फिर आप जाके सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल जो एक मजहब है वो तो इंसानियत है। तो ये अब बहस होना शुरू हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर कि जो इस तरह के जो कानून बनने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि पिछले 5 सालों में ये बहस ज्यादा तेज हो गई। अब इमेजिन करें कि जो वुमन का ड्रेस है उसके ऊपर ये बहस ज्यादा तेज हो गई। तो दोस्तों, ताजिकिस्तान गवर्नमेंट का ये फैसला, अबाया और दाढ़ी बैन करना, टोपी बैन करना और हिजाब बैन करना, बुरका बैन करना, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मेनली इसके पीछे का ऑब्जर्वेशन ये था ताजिकिस्तान गवर्नमेंट के कि भाई चोरियां होती हैं, ठीक है, वारदातें होती हैं, पता ही नहीं चलता, पूरा बुरका एकदम एक बोल रहे थे कि वो पूरा काले बोरी की तरह लगती हैं, एक बोरी होती है ना जैसे काली सी, वैसी लगती, पता ही नहीं चलता किसने किया चोरी, ठीक है, किसने क्या किया वारदात, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 46% मामलों की जांच ही नहीं हो पाती थी कि बुरका पहने कौन है यार, ये समझ ही नहीं आ रहा, इस वजह से वो बैन लगाया।
ठीक है, चोरी और क्या नाम है सरिये में कुछ छुपा के ले जाते थे, कोई चेक भी नहीं कर पाए उनको, ठीक है, चीटिंग का सामान लेके चले गए एग्जाम में, ठीक है, तो कोई टच करे तो फिर प्रॉब्लम है। इससे सही सिंपल सी बात है, नॉर्मल कपड़े पहनो, ये पूरा मुंह ही ढक लो, पूरा समझ ही नहीं आ रहा कौन है। ऐसा तजाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है, कि भाई हम नहीं मानते। उन्होंने कहा कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि अबाया पहनना मुस्लिम के लिए जरूरी है, दाढ़ी रखना मुस्लिमों के लिए जरूरी है, कहीं पे भी मुस्लिम में ऐसा नहीं बताया गया। सो हम आपसे इस रूल का फॉलो नहीं करेंगे। और दोस्तों तजाकिस्तान नहीं है सिर्फ, इजिप्ट भी ऐसा देश है, वो भी अपने लोगों को और महिलाओं को बुरका पहनने की इजाजत नहीं देता है, मिस्र, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, कुछ रेडिकल इस्लामिक देश हैं जो नए नए मुस्लिम बने हैं, जिनको जबरदस्ती कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया। होप आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ कहाँ ऐसे लोग हैं जिनको जबरन बाबर ने या फिर मुगलों ने जबरन हिंदू से या फिर सिख से उनको मुस्लिम बनाया, और उनमें नया फितूर होता है कि भाई हमारी महिलाएं तो बुरका ही पहनेंगे, हम तो दाढ़ी रखेंगे, हम तो टोपी पहनेंगे। पहनो भाई, फिर टोपी पहन के क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया जानती है। आज कहीं पे भी अगर दिख जाता है कोई पाकिस्तानी तो ऐसी चेकिंग करते हैं मानो वो आतंकवादी हो। और सच बात है यार, हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी आतंकवादी ही होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। देखो हर एक लोगों का तर्क वितर्क जो हम बोलते हैं ना वो अलग अलग होता है, पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है कि अलग अलग सबका विचार जो है, मैंने बहुत सारी भाषा में बता दिया, आप समझ ही गए होंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि सबके विचार अलग अलग होते हैं। कई सारे ऐसे कंट्री है जहां पे हिजाब, मतलब कि ये जो बुरखा और हिजाब जो है जिसको बैंड कर दिया गया है। यह तजाकिस्तान में तो मतलब दाढ़ी भी रखना अब वो लोग कर, उसका तो मेरे को नहीं पता वो क्यों किया है। लेकिन देखो हिजाब बुरखा जो है, देखो मुस्लिम समाज के लिए ये अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके समाज के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें, उससे किसी को विरोध नहीं है। लेकिन मुसलमान के अलावा भी कई सारे ऐसे लोग, मैं सब धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको खराब काम करना है वो लोग ये काम करते हैं। मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा, कहना मेरा का मतलब ये है कि लोग बुरखा पहन के या तो हिजाब पहन के मतलब कोई ना कोई कांड कर देते हैं, गैर कानूनी कार्य गतिविधियों में ज्यादा पाया जाता है उसका। फिर वो कोई भी हो उसमें, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि बुरखा पहना है पूरा कुछ नहीं दिखता, आंखें भी थोड़ी बहुत दिखती है क्योंकि शरीर का कोई अंग नहीं दिखता है, इसीलिए तो पहना जाता है ना, जहां तक मैं मानता हूं। तो इसकी आड़ में लोग जो है कानून के विरोध जाके गतिविधियों कर रहे हैं, इस वजह से बैन। और उसमें तो मैं ये भी कहूंगा कि भाई मुस्लिम समाज को इन चीज में सपोर्ट करना चाहिए, हो सके तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो है मतलब धार्मिक है, इसमें तो धार्मिक ठेस नहीं पहुंचाने, लेकिन एक बार सोच विचार करने चाहिए, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि बुरखा पहन के लोग कानून को तोड़ते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो जो बुरखा पहनने वाला जिन्होंने गलत काम किया कानून हाथ में ले वो मुसलमान ही हो, ऐसा नहीं होता है। बुरखा पहन के वो उन्होंने कांड कर दिया, फिर बुरखा निकाल के वो भाई निकल लिए, किसको पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आंखें ही दिखती है, पूरे के पूरा शरीर का अंग जो है वो ढका हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, विरोध नहीं है। हमारे देश में भी स्कूल कॉलेजों में मना कर दिया गया कि भाई वहां पे तो मतलब, और स्कूल कॉलेज में भाई ठीक है भाई, वहां पे तो क्या है कि कोई धर्म को प्रमोट नहीं करता है, वहां पे सब एक समान होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल की वो तो सरकार ने सही किया, उसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। और कई सारे कंट्री है जो अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करके ये हटा दिया जाए, बाकी वो भाई बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे माइंड वाले, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और खास करके मैं तो यही कहूंगा कि यदि हटे तो मुस्लिम समाज के लिए अच्छा, एक धाग हट जाएगा, धाग बुरखे की वजह से नहीं, धाग इस वजह से कि हर एक जगह पे जो बुरखा पहना है मतलब क्या, लोगों को एक ही समझ में आ गया भाई ये मुसलमान है, इसने ये कांड कर दिया, फिर वो बंदा कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, ठीक है, ये जो है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, समाज सबको सोचना चाहिए और सब कुछ पारदर्शिता हो तो अच्छी बात है, लेकिन समाज, मुसलमान समाज में एक रूल्स है या तो धर्म के अंदर कुछ है मतलब होगा, हम क्योंकि हम तो भाई हिंदू है तो इतना डिटेल्स में तो नहीं पता, लेकिन जो भी हो सर्व सोच विचार करने चाहिए।
भाई कुछ इधर उधर बोला होता है क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं। तो एग्जैक्टली कानून की वजह से देश में शांति रहे, इस वजह से सब जगह पे किया जा रहा है। इन शॉर्ट में इतना कहूंगा, वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।